हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोगों को पता है, कल जो है 11 तारीख है, तो जो मेरा एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होने वाला है उसके लिए मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल क्या होने वाला है, और बहुत अंदर से नर्वसनेस भी है मतलब क्या होगा। और बाकी एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होने से लेके जो BTHCG टेस्ट होने तक, जो 15 दिन होता है प्रेगनेंसी टेस्ट होने तक, वो 14-15 दिन मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है गुजरना। तो ये सोच के कहीं अगर मेरा कुछ होता है तो ये सब सोचना भी नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी है आपको मतलब पूरा पॉजिटिव रहना चाहिए, जो होगा होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, बट 1-2 दिन से मुझे बहुत घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। तो हो सकता है कल जो है मेरा ब्लॉग्स ना आए, क्योंकि जो मैं बहुत मतलब कल तो मुझे जाना है वहाँ पे, जाके 11 बजे पहुँचना है और ख़त्म होते होते आई थिंक 4-5 हो जाएगा। आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद ट्राई करूँगी कल रात को ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो मैं फिर परसों ही अपलोड करूँगी कि मेरा जो एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र कैसे हुआ, कितना एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र हुआ है, जो भी होगा मेरे साथ मैं वो सब अपलोड कर दूँगी कल रात को, नहीं तो फिर परसों। तो आज जो है कल मुझे टाइम नहीं होगा जाने से पहले ब्लॉग्स बनाने के लिए, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। आई थिंक 10:30 बज रहा है तो मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ। ये सोच के कल नहीं बना पाऊँगी, मतलब मुझे बहुत नर्वसनेस है, घबराहट हो रहा है। कल सुबह उठ के मुझे पहले काम ख़त्म करके, मतलब 2 दिन से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, क्योंकि IPF होने के बाद मुझे 15 दिन थोड़ा बेड रेस्ट करना है, काम नहीं करना है भारी काम। तो उसके वजह से मैं जो जितना काम था तो 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है इसलिए मैं बिजी थी। तो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है और भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, देखते हैं रात को कितना हो पाता है, सुबह तो नहीं हो पाएगा। फिर मंदिर भी जाना है, सुबह जाके भगवान के पास प्रे करना है मेरे लिए कुछ अच्छा हो। तो IVF का जो फाइनल प्रोसेस होता है एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र, वो है कल, देखते हैं क्या होता है मेरा साथ। ऐसे तो मेरा मतलब वो मेडिसिन इंजेक्शन से बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके वजह से मैं परेशान हूँ। तो मैं वो बताऊँगी, किसी एक वीडियो बनाऊँगी क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या परेशान है मुझे। और ऐसे भी मुझे थोड़ा खांसी होगा, मतलब ड्राई कफ होता है कभी कभी, इतना खांसी होता है कि खांसने से भी तो पेट में प्रेशर होगा। तो यही सोच के भी मैं और भी थोड़ा मतलब टेंशन हो रहा है मुझे कि खांसी होने से भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, इम्प्लांटेशन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। पता नहीं कल जाने के बाद वहाँ पर बात कर लूँगी, मुझे मतलब खांसी हो रहा है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा, खांसी का मेडिसिन लिखा के लाना होगा। तो मेरा मतलब खांसी जब होता है 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक कंटिन्यू होते जाता है, तो देखते हैं। उसके वजह से थोड़ा डर लग रहा है, गार्गलिंग कर रही हूँ और पानी सुसुम करके उसको थोड़ा हनी डाल के पी रही हूँ, जैसे खांसी थोड़ा ना हो या फिर ठीक हो जा, देखते हैं क्या होता है। इतना दिन से नहीं हो रहा था उसको, वो ही अभी होना था कि मेरा एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र का पहला दिन से उसको शुरू होना था, तो उसके वजह से भी थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट है मन में और टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है। तो देखते हैं, ये सब कल घर में छोड़ के मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर भगवान को दर्शन करके, कि जो भी हो मेरा साथ बहुत अच्छा ही हो, मतलब मेरा जो है IVF सक्सेस हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर जा रही हूँ, मेरा काम बाकी जो है उसको ख़त्म करना है, फिर कल के लिए प्रिपरेशन करना है, जो भी लेना है उसको सब रेडी करके रखना है। तो मतलब बहुत सारा बहुत डर भी लग रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि पूरा स्ट्रेस फ्री होकर रहने के लिए, ना डरने के लिए, देखते हैं क्या होता है। काम भी बहुत है, मैं जा रही हूँ मेरा काम ख़त्म करके, आज ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो नेक्स्ट कल हो सकता है कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो डे आफ्टर टुमारो मैं ज़रूर मेरा एक्सपीरियंस जो है एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र का वो वीडियो शेयर करूँगी। और बहुत सारा वीडियोज़ है मेरा पास शेयर करने के लिए आप लोग के लिए। मैं हमेशा चाहती हूँ अगर मेरा IVF का प्रोसेस में जो भी हो रहा है किसी का अगर मदद काम में आता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाता है स्टेप बाय स्टेप IVF प्रोसेस बताने के लिए।
और मुझे बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है जिसका मैं रिप्लाई कर रही हूँ। बहुत कमेंट और बहुत कमेंट है जो रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ वो टॉपिक पे एक वीडियो बनाने के लिए। जैसे मुझे एक इंजेक्शन का कमेंट आया था कि इंजेक्शन लगाने का टाइम क्या वीडियो अपलोड करना हो पाएगा, तो ये जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा जो इंजेक्शन था 5 डोज ख़त्म हो गया है ऑलरेडी, जो घर पर ली थी, और एक जो डोज है वहाँ पर लेना है कल, तो वो वहाँ पर तो मैं शूट करके नहीं डाल पाऊँगी। तो सो सॉरी, मैं और अच्छे से और एक वीडियो बनाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी कैसे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मतलब इतना ही है। मैं देखती हूँ कल मेरा साथ क्या होता है। और एक चीज़ है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा कल प्रे कीजिए कि मेरा IVF सक्सेस हो जाए। मैं भी सबके लिए प्रे करती हूँ, जो भी जिसका भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा प्रे कीजिए कि मेरा कल जो IVF होने वाला है वो सक्सेस हो जाए, उसमें कोई बाधा ना आए, कोई कुछ ना आए, क्योंकि मुझे डर लगता है हमेशा, मतलब मन में थोड़ा घबराहट रहती है। मतलब जैसे ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जैसा ही है, ऑटोमेटिक हो ही जाता है। जितना भी ट्राई करो कि मुझे डरना नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं है, जो होगा होगा, जो भगवान का मर्जी वो होगा, बट जो है डर जो है मन में आ ही जाता है। जो मेरे साथ हो रहा है, डर जो है मन में आ ही जा रहा है। जितना सोच रही नहीं सोचूंगी, बट वही माइंड में ये सब मेरा चलता रहता है सुबह से, और उसके वजह से मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। जैसे गला में खिचखिच हो रहा है, खांसी होगा, मतलब ऐसा फील हो रहा है, और मतलब माथा भी दर्द दे रहा था सुबह से। और ऐसे कि मुझे जो है हेयर वॉश में कर दी थी, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा बोला जाता है इम्प्लांटेशन का टाइम हेयर वॉश करने से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, इसलिए मैं आज हेयर वॉश कर दी। और मुझे 15 दिन अभी हेयर वॉश नहीं करना है, और मुझे पूरा अपना प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो मैं जो भी करूँगी, आप लोग को डेली बेसिस मैं वीडियो जो है अपडेट करते जाऊंगी, मेरा डे बाय डे एक हाँ जब एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होगा उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वो डे बाय डे आप लोग को वीडियो ज़रूर मैं शेयर करते जाऊंगी आप लोग का साथ। तो फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा दुआ कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा IVF जो है सक्सेस हो जाए। और मैं ट्राई करूँगी आप लोग को वीडियो अपलोड करने के लिए, आप लोग के लिए, जो आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा। आप थोड़ा मोटिवेट हो पाएंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, आपको कुछ जानने को मिलेगा। अगर मेरा सक्सेसफुल होता है ये, तो आप लोग के लिए बहुत ये हो हेल्पफुल हो जाएगा मेरा जो वीडियो है। मैं ये चाहती हूँ आप लोग को कुछ मदद करने के लिए, जितना भी मुझसे हो पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल के लिए फिर से बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत काम है। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है कल लाओ नेक्स्ट। तो हाँ, और एक बात कहना भूल गई हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि IVF के रिलेटेड ये चैनल जो है IVF के रिलेटेड ही वीडियो में लाते जाऊंगी जो मेरे साथ होता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। कोई भी आप लोग का रिलेटिव जो IVF करवाना चाहता है या कर रहा है, ज़रूर ये वीडियो उन लोग के लिए कुछ ना कुछ मदद करेगा। तो मेरे लिए भी प्रे कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल, नहीं तो परसों, न्यू वीडियो में और एक अनदर ब्लॉग्स में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।